हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो के अंदर। और हाँ, टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको फैक्ट्स अबाउट एमवी बॉम बताने वाला हूँ। और हाँ, टॉप 8 फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो आपको पसंद ज़रूर आएंगे। तो देख लो वीडियो को पूरी देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, क्यों बनने के लिए मैंने टैब क्रिएट कर दिया और कॉम की टैब मिल चुका है पहले ही, पता है मेरे को 3 दिन पहले मिल गया था। और थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट दिखाया, 500 करवा दिए। और हाँ, जल्दी से 550 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। और आज मैंने टैब पे डाला था कि क्यू एन ए का, ठीक है, कि क्यू एन ए का मैंने टैब बनाया था, तो उसके अंदर जाके मतलब क्वेश्चन पूछ लो और मैं आंसर दे दूँगा एक वीडियो के अंदर बना के, ठीक है, जो होगा। तो चलो दोस्तों, और एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो सेकेंड सरप्राइज है वो भी जल्दी मैं रिवील कर दूँगा, पर उससे पहले आप 550 सब्सक्राइबर जल्दी करवा दो तो आपको सेकंड सरप्राइज भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट करें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फैक्ट नंबर वन ये है, ये फैक्ट नंबर वन बहुत ही नॉर्मल सा फैक्ट है, तो आपको पता ही होगा कि एमवी बॉम जो है पर्पल कलर का है और उसके पास एक टेल है, ठीक है, और दो उसके पास आर्म है बड़ी बड़ी, और ये देखो उसका हाथ कितना बड़ा बड़ा है, और कान के नीचे इसकी रेड रेड कुछ बना हुआ है, जैसे पिकाचू की गाल के नीचे नहीं बना होता वैसे इसके अंदर कान के अंदर रेड रेड बना है। ये तो चलो बहुत ही नॉर्मल सा फैक्ट था। अब फैक्ट नंबर टू के बारे में बात करता हूँ। एमवी बॉम जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लाइंबिंग में है, क्योंकि देखो ट्री टू ट्री वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्पीड में क्लाइंब कर सकता है, और मतलब जैसे एक ट्री कहीं है और दूसरी ट्री बहुत दूर है उससे, तब भी वो आराम से उसको क्लाइंब कर लेगा, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी बढ़िया शक्ति है इसके लिए क्लाइंब करने के लिए। तो क्लाइंबिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है पोकेमॉन जो है। उसके बाद जो फैक्ट नंबर थ्री है वो ये है कि जो ये एमवी बॉम है उसके पास बहुत लंबे लंबे हेयर हैं, और क्योंकि लंबे लंबे हेयर तो मेरे को भी दिखे नहीं, उसके वो हेयर होते हैं ना बंधे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे इसके पास हेयर हैं। और फैक्ट नंबर फोर की बात करें तो इसकी जो नोज़ है वो एक ट्राइंगल टाइप की है, आपने देखा होगा कभी एनिमे के अंदर जब वो गुस्सा करता है या खुश होता है तो आपको उसकी नोज़ दिखती है ऐसे करके, वो ट्राइंगल टाइप की है और हाँ पर्पल कलर की है। और आपने कभी नोटिस किया या नहीं ये मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। फैक्ट नंबर फाइव की बात करें तो ये है फैक्ट नंबर सिक्स। तो फैक्ट नंबर सिक्स ये है कि क्या आपको पता है एमवी बॉम कौन सी भाषा से आया है नाम इसका? तो जो एमवी है ना वो लैटिन से आया, हाँ सच में लैटिन का एक वर्ड है एमवी, और उसके साथ उन्होंने पॉम जोड़ दिया तो हो गया एमवी बॉम। पोकेमॉन कंपनी ने यहाँ से दिमाग लगा के इसका नाम एमवी बॉम रख दिया, तो मतलब बड़ी यूनिक चीज़ लगती है कि लैटिन से आया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा इसका नाम मतलब लैटिन से जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट है और आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये सेवन्थ फैक्ट। तो ये वाला फैक्ट आपने नोटिस हमेशा किया होगा कि जो एमवी बॉम है ना उसके जो हाथ है ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उसके नीचे एक जो कफ नहीं होता ऐसे ग्लव्स वगैरह के अंदर होते हैं वैसे एक कफ बना होता है, और हाँ नेचुरली होता है बहुत। और मतलब आपने कभी नोटिस किया हो या नहीं किया हो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर से बता दो। उसके बाद फैक्ट नंबर एट की बात करें तो फैक्ट नंबर एट ये है कि जो उसकी टेल है ना बहुत स्ट्रांग है, सच में वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसके पास जो टेल है उससे वो बहुत सारे अटैक्स कर लेता है टेल और अपने हाथ की मदद से, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। तो उसकी जो टेल है ना वो सबसे ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंट है, और अगर टेल नहीं तो एमवी बॉम कुछ भी नहीं है। तो आज की वीडियो इतनी थी दोस्तों, उम्मीद आपको पसंद आई, और अगर आपको पसंद आई तो हाँ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूँगा आपसे अगली नई वीडियो में। और हाँ, अगली वीडियो क्यू एन ए डालूंगा, ठीक है, तो जल्दी से 550 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। और हाँ, अगर जो सेकंड सरप्राइज है उसके लिए आपको अभी टीज़र देना है तो चलो 550 करवा दो, तो मैं आपको बता दूंगा क्या कम्युनिटी टैब के अंदर। हाँ, एक्टिव रहना कम्युनिटी टैब में भी, आपको बहुत मज़े आते हैं यार सच में, तो प्लीज़ यार एक्टिव भी रहना वहाँ पर। तो चलो आज की वीडियो देते नहीं, और बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो के अंदर। और हाँ, कल लाइव स्ट्रीम के अंदर बहुत मज़ा आया, तो उसमें मेरे को बहुत मज़ा आया, सबने इतना सपोर्ट किया लाइव स्ट्रीम में, बहुत सारे लोगों ने देखा और खेला भी पोकेमॉन यूनाइट, तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, वंदे मातरम, फिर करेंगे लाइव स्ट्रीम, अगर आप नहीं आ पाते कोई बात नहीं, तो अगली बार फिर करेंगे बता दूंगा मैं। बाय बाय, वंदे मातरम।